हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने टेक्नो के मोबाइल में ब्लॉक हुए कॉन्टैक्ट नंबर को अनब्लॉक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने कोई नंबर ब्लॉक कर रखा है या आपसे वो गलती से हो गया और आप उसको चेक करना चाहते हो अपने ब्लॉक लिस्ट में जाके, आप उसको अनब्लॉक करना चाहते हो कैसे कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फ़ोन कॉल सेटिंग को ओपन कर लेना है। फ़ोन कॉल सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके फ़ोन में भी, तो आपको यहाँ पर राइट साइड क्लिक कर लेना है थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जा सकते हो कॉल हिस्ट्री ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो कॉल हिस्ट्री, यहाँ पर आप कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हो। यहाँ पर अपनी मिस कॉल हिस्ट्री चेक करना चाहते हो, मिस कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हो। और कॉल हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो तो थ्री डॉट पे क्लिक करके अपने कॉल हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हो। दोस्तों क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे दोबारा से और सेटिंग पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा ब्लॉक्ड नंबर का ऑप्शन, तो दोस्तों हम इसी पे क्लिक करेंगे अपने ब्लॉक नंबर वाले ऑप्शन पे। और इस पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपनी ब्लॉक लिस्ट को। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों ब्लैक लिस्ट में जो नंबर है, यहाँ पे दो नंबर है अभी मेरे फोन में, और यहाँ पर आप नीचे कॉल्स और ब्लॉक SMS को यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर कॉल और SMS तो मेरे फोन में ब्लॉक नहीं है, नंबर दो ब्लॉक है, और मैं इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ, मतलब ब्लॉक लिस्ट से नंबर को यहाँ से रिमूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ। दोस्तों नंबर अनब्लॉक हो जाएगा, फिर मैं इनको कॉल वगैरह कर सकता हूँ और ये मुझे भी फिर आप कॉल वगैरह कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में ब्लॉक हुए कॉन्टैक्ट नंबर को आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आके दोस्तों आप उसको अनब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पर आके आप इसको अनब्लॉक कर सकते हो इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर आप और भी काफ़ी सारी सेटिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डायलर थीम, दोस्तों अपनी कॉल थीम को दोस्तों जो आपके थीम है ये, तो आप इसको चेंज करना चाहते हो, आप इसको यहाँ पर डार्क रखना चाहते हो तो डार्क पर क्लिक करके डार्क रख सकते हो, चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर लाइट पर करोगे तो लाइट कर सकते हो। और यहाँ पर अपने सिस्टम डिफॉल्ट को आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर नीचे और सेटिंग देख सकते हो आप, यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स सेटिंग है, साउंड वाइब्रेशन सेटिंग है, साउंड वाइब्रेशन पे आके यहाँ पर रिंगटोन वगैरह से ऐड कर सकते हो, रिंगटोन वगैरह लगाना चाहते हो रिंगटोन लगा सकते हो। या दोस्तों यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स को आप एडिट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको रिमूव करके अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो, मैं काम में बिजी हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से एडिट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों अपने फ़ोन में आप चाहते हो आपके फ़ोन में कॉल आईडी अनाउंसमेंट होए तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर लो ऑलवेज पे क्लिक करके, फिर दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी कॉल आएगी आपको पहले अनाउंस हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आप अपने फोन में कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग, फोन कॉल सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय दोस्तों।